मैं जब मैं गया तो मैं बहुत दिनों चौंक गया। कई चीजें मैंने ऐसे देखी जिसको देख के मुझे बहुत तकलीफ हुई। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष राय और आप देख रहे थे क्वेश्चन आर भारत। अभी भी मैं लाइव आया था, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तांडव के ऊपर तो वीडियो जरूर चेक करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जैसा कि मैंने आप सबको बता रखा है कि इस साल का जो हमारा एम है, जनवरी ख़त्म ही नहीं हुआ लेकिन हाँ आधे से ज़्यादा पूरा हो चुका है, तो 1 लाख सब्सक्राइबर हमें गेन करने हैं, नए 1 लाख सब्सक्राइबर्स। तो आपका एफर्ट बहुत ज़रूरी है, आपका हर तरह का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे जो हमारा रिक्लेमिंग ऑफ आर टेम्पल की जो सीरीज़ थी, उसका जो कुतुब मीनार वाला जो वीडियो था, उसके बाद अब ये दूसरा वीडियो आ रहा है, उस सीरीज़ का ही दूसरा वीडियो है। मैं चाहता हूँ कि जब भी आपके सामने किसी भी मुद्दे के साथ आऊँ, चाहे वो किसी भी सीरीज़ का हो या रैंडम हो, चाहे कोई ट्रेंडिंग टॉपिक हो, कुछ भी, वो जेन्युइन होना चाहिए, सबूत होने चाहिए, फोटोज़, वीडियोज़, आर्टिकल्स, कुछ भी प्रूफ के साथ बात करो, लॉजिक के साथ बात करो। वरना सीरीज़ डिले हो चलेगा, लेकिन रबिश कंटेंट के साथ नहीं आना चाहता हूँ मैं। तो अगर कोई नया है, सब्सक्राइब कर ले, इस सीरीज़ में बने रहे, अपना कंट्रीब्यूशन हर तरीके से दे, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, और फाइनेंशियली करना चाहता है तो उसके भी तरीके डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करेंगे बिहार में स्थित माता मुंडेश्वरी टेम्पल के बारे में। मैं वहाँ खुद गया था और मैंने जो देखा उसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। वहाँ पे मंदिर 600 से 900 फीट की ऊंचाई पे उस पहाड़ पे है, 1600 साल से ज़्यादा पुराना है। आप लोगों को शायद जान के हैरानी होगी कि जब इस्लाम नामक चीज़, कुरान नामक किताब को दुनिया में कोई जानता भी नहीं था, उसकी एग्जिस्टेंस से भी 200 साल ज़्यादा पुराना ये मंदिर है। तो हमारे पूर्वजों के पास वो स्किल सेट था, वो कारीगरी थी, बिना औजार के, बिना किसी हाईटेक मशीनरी के उन्होंने एक ऐसी अद्भुत चीज़ तैयार की, नक्काशी तमाम ऐसे। ये तो बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे मंदिरों के, ऐसे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनकी पूरी लिस्ट है, लाइनें हैं, लेकिन उनमें से एक के साथ आपके सामने आया हूँ। और मैं जब मैं गया तो मैं बहुत चौंक गया। कई चीज़ें मैंने ऐसे देखी जिसको देख के मुझे बहुत तकलीफ हुई, आपको भी होगी। आप चीज़ें देखिए, समझ में आए कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, तो शेयर करिए। कोई बिहार से है तो और डिटेल देना चाहता है तो दे देगा। जब मैं गया, आपको पहले फोटो दिखा देता हूँ, ये वो मंदिर है। आपको देख के लग रहा होगा क्या है, तो बहुत साइज में, लेकिन है बड़ा वो मंदिर। ऑक्टेंगल है, 4 दरवाजे हैं, 2 ही खुले हैं, 2 बंद हैं। मंदिर के गेट पे जो मूर्तियां लगी हुई हैं उनके सर कटे हुए हैं। आपको, आप रिलेट कर सकते हैं कि सर आजकल भी कट रहे हैं मूर्तियों के। आंध्र प्रदेश में घटना आम बात हो गई है, पहले लोगों के ही कटते थे, अब तो भगवान भी काफिर हो गए हैं। तो आपको पता है कि ये प्रथा किस वक्त से चली आ रही है, आपको पता है कि ये कल्चर सर काटने वाला, चाहे मूर्तियों के हो चाहे इंसानों के, ये किस जगह से इंस्पायर्ड है, कहाँ से आ रही, इसकी रूट्स कहाँ है, आप समझिए। ऐसे ही नहीं ये लोग आज के मुसलमान उस वक्त के मुगलई आतंकवादियों से अपने आप को जोड़ते हैं, उन आक्रांताओं से अपने आप को जोड़ते हैं, ऐसे ही नहीं, कुछ तो बात है, कुछ तो एक कॉमन सोर्स है, वही बांध के रखता है। ठीक, फिर मैंने देखा तो उस मंदिर का मलबा चारों तरफ बिखरा हुआ था, मंदिर तोड़ा गया है, आपको ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, चारों तरफ है। मैंने उसके भी वीडियो बनाई। फिर एक जगह कुछ मूर्तियां रखी थी टूटने के बाद या अलग से उठा के, जैसे भी, उनके भी सर कटे हुए, काफ़ी सरप्राइजिंग था। फिर आप अंदर जब जाएंगे तो आपको शिव जी का, पंचमुखी शिव जी का एक शिवलिंग देखने को मिलेगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि सूरज की टाइमिंग के साथ साथ, उसकी पोजीशनिंग के साथ साथ उसका रंग बदलता है। तो खैर, उसको देखने के लिए आप पूरा दिन बिताएंगे तो देख सकते हैं, लेकिन कहा जाता है ऐसा, आपको इस आर्टिकल में भी देखने को मिलेगा। और जो माता मुंडेश्वरी का जो मूर्ति है वो तो है ही अंदर, जिस बात के लिए आप वहाँ दर्शन करने जाते हैं, जिनका दर्शन करने जाते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, आप ये बोर्ड पढ़िए, ये सरकार के संरक्षण के अंदर में आता है। तो मुझे नहीं लगता कि जो राज्य सरकारें हैं, जिस तरीके से उन्होंने बड़े बड़े मंदिरों पे, बड़े बड़े मंदिरों की दान पेटियों पे अपना कब्जा करके रखा है, वो क्या मेंटेनेंस कराती हैं, क्या सेफ्टी, क्या सिक्योरिटी देती हैं कि प्राचीन प्राचीन 400-500 साल पुराने मंदिरों के सर कट रहे हैं, मूर्तियों के सर कट रहे हैं और मूर्तियाँ टूट रही हैं। आपका कैसा संरक्षण है ये आप ही बताइए। मैं हर सरकार से सवाल उठा रहा हूँ, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट। और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता की बनती है, आप चुन के लाते हैं,
कि आप गवर्न करिए, सेफ्टी प्रोवाइड करिए, हमारे आस्थाओं का ध्यान रखिए, उसका सुरक्षा का ख्याल रखिए, हर तरह की फ्रीडम का ख्याल रखिए। लेकिन किसकी फ्रीडम का ख्याल रखा जाता सबसे ज़्यादा? जो माइनॉरिटी, आंध्रा में वही होगा। खैर, इस वीडियो की मेरी समरी ये है, मंदिर बहुत अच्छा है, लोकेशन बहुत अच्छी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो मंदिरों पे सिर्फ उसकी बात नहीं, इन जनरल मंदिरों पे जो सरकारों का, राज्य सरकारों का कब्जा है, जिस वजह से ना उसकी मेंटेनेंस, ना उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी, ना उसके फंड पे मंदिर के पुजारियों का हक है, ना राइट है, कुछ नहीं है कि आप उसका पैसा यूज़ करके कुछ मंदिर के लिए कर पाएँ, कुछ एक संस्था क्रिएट कर पाएँ, तो गरीबों के लिए कुछ कर पाएँ, गुरुकुल खोल पाएँ, शिक्षा दे पाएँ, धर्म ग्रंथ पढ़ा पाएँ, कुछ ऐसा आप नहीं कर सकते। क्यों? मेजॉरिटी है तो क्या पाप कर दिया है? क्या हम बाकी देशों की तरह मिट नहीं गए, कन्वर्ट नहीं हुए, अड़े रहे, लड़े रहे और आज 80% बचे हैं, तो ये हमारा पाप है? क्या किसी देश में आक्रांताओं से लड़ना, बचे रहना, सरेंडर ना करना, कन्वर्ट ना होना, कि इतना बड़ा पाप है कि आज सो कॉल्ड अगर आपकी सत्ता आ भी जाती है कहने को, तो उसके बावजूद आपको अपीजमेंट के नाम पर धोया जाता है, हर तरह से यूज़ किया जाता है और हर तरह से वसूली आपसे ही होती है। खैर, मैं चाहता हूँ इस बात को आगे बढ़ाइए, सिर्फ ये मुंडेश्वरी टेम्पल की बात नहीं, टेम्पल जो भी हमारे पूरे भारत में जितने हैं सबके लिए है। हर मंदिर की दान पेटी पे राज्य का हक है, लेकिन उसकी सुरक्षा पे कितना काम हो रहा है ये आप सब देख रहे हैं, क्योंकि हर कुछ दिन में एक न्यूज़ आ जाती है कि इस मंदिर में इस मूर्ति का तोड़ फोड़ हुई, आज उस भगवान का सर काट दिया, आज उस भगवान का मूर्ति तोड़ दिया, कुछ भी कर दिया। खैर, इस वीडियो में इतना ही, मैं आज जाते जाते फिर आप लोगों को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि इस साल का हमारा लक्ष्य है 1,00,000 सब्सक्राइबर्स लेना, जोड़ना लोगों को, वीडियोस को आगे तक बढ़ाना। आपका कंट्रीब्यूशन इतना रहेगा कि आप वीडियोस को देखें, अपनी टिप्पणी दें, अच्छा लगे तो लाइक, बुरा लगे तो डिसलाइक, वीडियो को शेयर करें अगर समझ में आए, नए हैं तो सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।